सो वॉट विट इट विल रिप्रेजेंट, इट विल रिप्रेजेंट द कंटेंट, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो दिखा देगा। बट आप ये बताइए कि इसके लिए मुझे कितना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा? मैंने दो वेरिएबल बनाए और उनके लिए फर्दर क्लास बनाई है ना। 3.5 एंड 3.0 फीचर्स सेज यू कैन सिंपली राइट, आप क्या कर सकते हो, क्लास बनाते हो, आई हैव टेकन नाउ 0.1 फॉर क्रिएटिंग प्रॉपर्टी, आई डू नॉट नीड एनी वेरिएबल्स टू बी क्रिएटेड। इफ आई वॉन्ट प्रॉपर्टी एक्स, इट शुड बी देयर। So, if I want to use all the properties, it will do not need any kind of options need to be incorporated. I do not need to have the variables. It is enhancing something. What? Security. हमारे पास क्या है? हमें पता ही नहीं है कि values क्या store हो रही हैं variables में, कौन से variables में store हो रही हैं, we don't know. सेम कोड है, कोई दिक्कत? सो सी देयर आर सर्टेन चेंजेस, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफाइंग योर कोड, इट इज सिंप्लीफाइंग योर कोड। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, आप लोगों ने यूज किया होगा एक नेम स्पेस। सिस्टम डॉट कलेक्शंस, इज इट देयर? अगर मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है एंड आई डू नॉट वॉन्ट के भाई ऑब्जेक्ट की टाइप स्पेसिफाई करें, बिकॉज डॉट नेट इज अ वेरी 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 स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, इट्स अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, वी कैन हैव एनी वेरिएबल बट a var keyword will help you to create without knowing its type. आप क्या करते हो, array list का object बनाते हो and then you keep on adding the elements through add method. This is what the traditional C sharp language concept supplies. आप क्या करते हो, कोई भी object इस तरीके से बनाते हो, but through the anonymous feature,
वी कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज असाइंड विदाउट नोइंग इट्स टाइप. ठीक है, सो अगर मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर को, इन दैट केस आई कैन ऑल्सो हैव द फीचर्स. मैंने इसे इटरेट करा, फॉर ईच लूप इज अ वेरी नॉन लूप जो आप इस्तेमाल करते हैं एरेज के साथ. ठीक है, नाउ इफ आई वॉन्ट टू एड 1000 एलिमेंट, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कॉल दिस एड फंक्शन एट 1000 टाइम्स, और वैल्यू क्या होगी मुझे उसमें पास करनी पड़ेगी. सो कैन आई यूज एनी अदर सिग्नेचर विच इज देयर दैट विल हेल्प मी इन डूइंग द सेम. आई कैन यूज द सिनेरियो ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर. व्हाट इट कैन डू, इट कैन एड एलिमेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग डिटेल्स. लाइक आई वॉन्ट टू एड एनी नेम्स, सो देर आर सर्टेन प्रॉपर्टी, देर आर सर्टेन चेंजेस विच आर देयर. वेयर इज कंस्ट्रक्टर, वी हैव नॉट एडेड इट ना. इफ आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट इट तो वो कोई एरर देता कंपाइलर मुझे, ऐसा कुछ तो वो दे नहीं रहा है. हाँ जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कहाँ, मैंने पेरेंथेसिस तो लगाए नहीं, राउंड ब्रैकेट्स कहाँ है, कंपाइलर मेंटेनिंग. That means there are certain changes which are added in 3.5 and 3.0 frameworks. So, हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे features हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं for the sake of integrating queries in Linkyo itself. So, उनमें से मैंने अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाया कौन सा वाला, एक example simple एक object initializer का. I want to show a demonstration of changes of ASP.NET like. अगर आप जो कंसेप्ट यूज करते हैं ना डेलीगेट्स में, सो अगर मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ उसको तो मैं समझ सकती हूँ कुछ इस सिनेरियो में. आई वॉन्ट 3 मिनट्स ओनली, कि आपके क्या, आपको जो जो चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ उसका एक छोटा सा मेरे को डेमो आपके सामने ही बना रही हूं मैं. ये क्लियर हुआ है, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज हमने एड कर दिया. देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो हमने यहां पर एड करा है ना. हाँ जी बोलिए. हाँ जी बिल्कुल. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपने रेफरेंस लिया है, ये रेफरेंस तो कोई भी हो सकता है ना, एज इन क्या हो सकता है, लाइक इफ यू वांट टू हैव अ वेबसाइट तो उसमें आप क्या करते हो, आइटम्स चूज करते हो, आइटम आप क्या करते हो चूज करते हो, तो वो एरे लिस्ट में आपको फंक्शन बार बार कॉल करना पड़ता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रीडिफाइंड बना रहेगा. हमारे पास ये जो फीचर है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर का, वो आपको हेल्प करता है कि आप एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किए बिना इस्तेमाल कर सको. लाइक ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल इटरेट करने के लिए बताया. सी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है लिस्ट भी है, बट हमारे पास क्या है उनके बीच में कनेक्शन नहीं है. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर हेल्प करता है कि भी हमें सिर्फ रेफरेंस प्रोवाइड करो और वो क्या करेगा, सारी लिस्ट को ऑटोमेटिकली इटरेट कर लेगा. आई डू नॉट नीड टू कॉल द ऐड फंक्शन. यहां पर मुझे सिर्फ क्या करना होगा, रेफरेंस ऐड करना होगा. आपने ये भी देखा होगा, लेट्स सपोज कि मेरे को क्या करना है, एक नॉर्मल कुछ वैल्यू स्टोर करानी, लाइक स्टूडेंट आईडी नेम एंड ऑल, तो आप क्या करते हो, क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर उसके वेरिएबल्स रखते हो, इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर रखते हो, प्रॉपर्टी यानी कि डायनेमिक एक्सेस के लिए आप उसमें गेटर और सेटर फंक्शंस प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या कर रहा है, आपका मिनिमम 40 लाइन ऑफ कोड बन रहा है. सो आपको क्या करना था, एक सिर्फ वेरिएबल एक प्रॉपर्टी चाहिए थी. लेट्स सपोज आई वांट अ वेक्स वेरिएबल, तो यहां पर आप अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, मुझे एक मेमोरी एलोकेट करनी है विदाउट क्रिएटिंग क्लास, आई कैन हैव द फीचर ऑफ एनोनिमस ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, सो दैट आई वॉन्ट, अगर मुझे एस आई डी एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैंने असाइन किया 1, मैंने इस नेम एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, एक नेम सुनंदा, देन मैंने कहा कि एक इसमें क्या कहते हैं सैलरी ले लो या ईमेल आईडी ले लो,
सो क्या हम बिना क्लास बनाए ऑब्जेक्ट बना सकते थे? यहां पर ये आपको फीचर हेल्प कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ मत बनाओ, आपको ये फीचर मिलेगा ही मिलेगा, क्लास बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है. और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जो हम बनाते थे ना ओवरलोड करने के लिए, द नीड ऑफ दैट इज फिनिश्ड. आप डायरेक्टली एक्सेस करो एक्स, इसके अंदर आपको सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है. सो द सिक्योरिटी इज एनहांस्ड, सिक्योरिटी इज एनहांस्ड. नाउ अगर मुझे इसे इटरेट करना हो, इफ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले और बाइंड टू सम एलिमेंट, देन आई नीड टू डू वॉट? आई नीड टू स्पेसिफाई कि भाई मेरी स्टूडेंट आई डी जो है वो इंटीजर टाइप की है, और स्टूडेंट नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, या स्टूडेंट एड्रेस जो है वो क्या है, ईमेल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है. जब अगर हम वेर के, या अगर मैंने आपको फॉर ईच वाला जो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, सो यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर मैं रेफर कर रही हूं किसको, एक्स को. तो ये एक्स इटरेट नहीं कर पाएगा. अगर मैं एक्स को यहां इटरेट करूंगी इट विल जनरेट एन एरर. व्हाई सो? बिकॉज द क्लास इट इज नॉट नोन. सो हम अगर कोई भी कोड अगर इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने कुछ फीचर्स ऐसे देखे होंगे ना सिक्योरिटी में, हम एक्स्ट्रा कोड लिखते हैं सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए. यहां पर हमें कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो ये फीचर आपको क्या मिल रहा है, 3.5 में मिल रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है तो इस तरीके का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सके. लिंक्यू समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि भाई लिंक्यू का सिंटेक्स है तो एसक्यूएल जैसा, बट उसके अंदर हम समझ नहीं पाते उसको कि भाई क्या क्या इस्तेमाल करें. इफ यू हैव अंडरस्टैंड, इनहेरिटेंस तो सभी ने इस्तेमाल की होगी, फॉर्म्स डेवलपमेंट भी जब जानते हैं. कोई भी एक क्लास अगर मुझे बनानी है तो व्हाट आई, विच नेम स्पेस आई नीड टू रिफर फॉर. अगर मुझे एक विंडो फॉर्म बनाना है विच नेम स्पेस इज रिक्वायर्ड, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अनोनिमस डेलीगेट. What I've done, I've inherited it. अगर मुझे A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो हम क्या कर सकते हैं, A obj equals to new A, which is the old feature. कोई पुरानी, कोई नई चीज तो नहीं है. अगर मुझे इसे शो करना है देन आई कैन यूज, आई कैन कॉल दी शो मेथड, बिकॉज थ्रू इनहेरिटेंस, इफ आई एम यूजिंग इनहेरिटेंस तो वो विंडो फॉर्म क्या करेगा, मुझे डिस्प्ले हो जाएगा. बट ये शो फंक्शन का फीचर क्या होगा, आपको कंटेंट दिखाएगा एंड देन गायब हो जाएगा. ठीक है, यू कैन कॉल द फंक्शनैलिटी लाइक शो डायलॉग, इज इट देयर, यस. ऑन एग्जीक्यूशन इट इज डिस्प्लेइंग सम विंडो. Now, to get some control, I need to get the controls like same feature जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, b1.text. Now, I want to add this control in my object. So there is certain called properties which are there. Controls dot add, and I can add which one, B1.
नाउ एक बात देखिए, मैंने शो डायलॉग पहले लिखा है और उसके बाद बटन ऐड किया है, तो कंटेंट अगर शो जाएगा उसके बाद अगर मैं उसको अटैच करूंगी तो कोई फायदा नहीं है. सो मैंने उसे क्या करा, कट करके पेस्ट कर दिया. अब ये सारे कंट्रोल्स क्या हो गए, इसमें एक बटन कंट्रोल इसमें ऐड हो गया. नाउ फॉर्म इज देयर, कंट्रोल इज देयर, बट इट्स नॉट वर्किंग. व्हाई सो? बिकॉज फॉर द सेम आई नीड टू हैव अ फंक्शन. और ये कितनी बार भी वर्क कर सके इसके लिए हम क्या बना दें, डेलीगेट. देर आर मे बी देर आर सर्टेन स्टूडेंट हु हैज नॉट स्टार्टेड डेलीगेट्स एंड ऑल. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम शेयरिंग इट. इवेंट्स मैंने क्या करा, बटन के बटन पे क्लिक मी, यानी क्लिक करना होगा मुझे. क्लिक इज एन इवेंट ऑन विच आई वॉन्ट टू असाइन अ डेलीगेट. आई एम डूइंग वॉट, प्लस इक्वल्स टैब एंड देर इज एन अगेन टैब. यहां पर क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस मुझे सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप इसमें अटैच कर सकते हो एक फंक्शन जिसमें आप कोड लिखना चाहते हो वो अटैच कर सकते हैं. ठीक है, मैंने कहा कि सिंपल मुझे एक मैसेज दिखाना है. कंटेंट क्या हो, हाई हो, इट शुड बी एन इंफॉर्मेशन नॉट एन एरर. देयर शुड बी सम बटन्स So now we have added some event handler associated with this. There is certain function which is incorporated in this, and we have attached a delegate. So यानी कि हमें पहले delegate भी बनाना पड़ेगा और उसका reference भी attach करना पड़ेगा. So हम क्या करते हैं इसमें, अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ link queue feature को, तो we can write a direct line on the click of this, it is displaying some message. Click available hai. What I have written, delegate assign karne ke liye mujhe kya chahiye, plus equals to sign which is always there, but maine kaha main use kar rahi hu anonymous delegate. What I am using, anonymous delegate. तो एनोनिमस डेलीगेट में आप इसमें यहां पर सिर्फ B1 अंडरस्कोर क्लिक यूज कर सकते हो. इट विल डिस्प्ले द सेम फंक्शन एट टू टाइम्स. इट विल डिस्प्ले द सेम फंक्शन एट टू टाइम्स. द सिग्नेचर इज एडेड बट इट इज नॉट देयर. टास्क इज डन बट कंटेंट इज नॉट देयर. तो डेलीगेट हमारा जो बना वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली CLR ने अंडरस्टैंड कर दिया बिकॉज हमारे पास क्या है, फीचर एड हो चुका है इसके लिए. फाइन, एक ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज इक्वल्स एंड देन ग्रेटर देन. वॉट इज इज नेम्ड, इट इज लैम्डा एक्सप्रेशन. इफ आई वॉन्ट टू यूज द सेम लैम्डा एक्सप्रेशन इन दिस, आई कैन डू वॉट, B1 डॉट क्लिक इक्वल्स. नाउ लैम्डा एक्सप्रेशन डेलीगेट भी बनाता है और फंक्शंस भी एसोसिएट करता है, बट बोथ आर अनोनिमस, बोथ आर अनोनिमस. इन दैट केस आपने चेक किया होगा कि डेलीगेट और जिस फंक्शन को हमें उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना है उसके साथ क्या होता है, एक कंडीशन है कि जिस फंक्शन को मुझे उस डेलीगेट के साथ अटैच करना है, उस डेलीगेट का और उस फंक्शन का दोनों का पैरामीटर सिग्नेचर सेम होना चाहिए. ठीक है, सो अगर मैं इवेंट्स हैंडलर की बात करूं तो यहां पर क्या किस तरीके का कंटेंट है, दैट फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट हैंडलिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट सेंडर एंड इवेंट टैग्स ई. इज इट देयर? सो इफ आई वांट टू असाइन दिस फीचर इन दिस क्लिक इवेंट पर मैं असाइन कर रही हूं प्लस इक्वल्स टू राइट देयर. अगर मैं टैप करके अटैच करना चाहती हूं, आई एम यूजिंग व्हाट, द ओल्ड ट्रेडिशनल फीचर व्हिच इज देयर फ्रॉम C# 1.0 और 2.0. इसमें मैंने कहा कि मैं असाइन करना चाहती हूं ऑब्जेक्ट
type ka variable koi e. Now we have already a feature of anonymous variable. मतलब मैं var keyword के जरिए क्या कर सकती हूँ, एक variable बना सकती हूँ जिसकी type मुझे नहीं पता. तो मैंने कहा object भी incorporate करने की जरूरत नहीं है. What I have written? Simply I have written sender, comma e. ठीक है, ये assign करे function किसको, जो हमें इस्तेमाल करना है कुछ इस तरीके से. Now, अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट चाहिए देन आई कैन गेट द पेरेंथेसिस. Written? मैंने दो दो लाइन्स लिखे. अगर मैं मल्टीपल, अगर देखो सिंगल लाइन एसोसिएट करती हूँ तो वो क्या होता है, डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन से अटैच कर लेता है. इफ आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट सम लॉजिक देन देर शुड बी सम कैटेगरी ना, फंक्शन मुझे बताना पड़ता. बट अगर मैं फंक्शन भी नहीं बना रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए मुझे पेरेंथेसिस तो लगाने पड़ेंगे ना, जो फंक्शन के लिए लगते हैं. सो फंक्शन भी नहीं है, डेलीगेट भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, बट इट इज कॉलिंग ऑल दीज फीचर्स थ्रू दी फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन. ठीक है, सो मैंने क्या करा, ऊपर वाली दोनों लाइन्स को कमेंट कर दिया सो दैट इट विल बी एबल टू गेट द फीचर्स. हाई आई एम हियर एंड देन आई एम इन 3.5. सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, जो आपका कोड है वो क्या होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है. ठीक है, any updation which always came, it will help you to understand more and more about the technology. और जो line of code होती है वो क्या होती जाएंगी, आपकी reduce होती चली जाएंगी. तो language आपको help link you, जो multiple data sources में आपको help कर रहा है, वो साथ साथ help कर रहा है coding scenario में भी, कि आप अपने code को कम से कम steps में define कर सको. We are aware of there is something called JavaScript and all. So अगर हम server side scripting languages का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पूरा logic कहाँ run होगा, server पे. और client side अगर इस्तेमाल करती हूँ तो वो कहाँ run होगा, browser पे. So हमारे पास क्या होता है, scenario होता है कि हम server वाला code भी लिख सकते हैं और client वाला code भी लिख सकते हैं. ASP.NET आपको help करता है कि भी आपको आपको JavaScript और जो डायनेमिक स्क्रिप्ट है वो दोनों अगर अटैच करनी है, यू कैन हैव द फीचर्स इन प्रोजेक्ट इटसेल्फ. आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर आपको अगर जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी चाहिए तो आप इसके लिए कोड यहीं पर अटैच कर सकते हो. एड न्यू आइटम, यहाँ पर देख लीजिए स्टाइल शीट, यानी अगर आपको वेबसाइट के अंदर फीचर्स स्टाइल शीट फॉर्मेटिंग के चाहिए तो वो सारा कोड भी यहीं पर इनकॉर्पोरेट हो सकता है. अगर आपको जे स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट चाहिए वो भी अवेलेबल हो पाएगी. और अगर मुझे कुछ इस तरीके की फीचर चाहिए जो HTML फॉर्म से रिलेटेड है तो वो सारे कंट्रोल्स भी इसमें अवेलेबल होंगे. हम इस फाइल्स को अटैच करके क्या कर सकते हैं, अपना कोड और इजी कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ स्टाइल शीट समझने के लिए कि आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. आपने डिफॉल्ट पेज लिया है, हमारे पास ये था ना डिफॉल्ट पेज. आप कभी भी HTML टैग में H1 इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, इट इज हेडिंग और कुछ ब्लैक कलर का होता है. आप उसको कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह देना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, हर एक टैग के साथ आप फॉन्ट टैग लेते हो, उसमें कलर फॉर्मेटिंग या साइज जो भी असाइन करना वो कर सकते हो. लेट्स सपोज आई हैव टेकन हेडिंग टैग, मैं लिखा हेडिंग 1. टू ऑन द डिजाइन सोर्स यू विल एबल टू फाइंड इट दैट इट इज देयर इन कलर. नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन सम स्टाइल ओवर देयर, यू कैन हैव certain style tag elements, style style में मैं क्या provide कर सकती हूँ, वो content जो मुझे चाहिए. मैंने H1 लिया और उसके लिए properties define करी,
कंटेंट के साथ जितनी जगह पर मेरा HTML 10 कंटेंट होगा, इट गॉट फॉर्मेटेड ऑटोमेटिकली. इफ आई सी, तो यहां पर क्या हो रहा है, पेज पर जितनी बार हेडिंग टैग होगा वो क्या करेगा, उसको उतनी बार इनकॉर्पोरेट कर लेगा. सो अगर मुझे पेजेस के लिए कॉमन फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करनी है, वो तो अब मैं इसमें स्टाइल टैग के लिए दे सकती हूँ. अगर मुझे पूरी वेबसाइट के लिए अगर कॉमन देना है, देन आई कैन हैव दी CSS फाइल अटैच्ड. एएसपी में आप लोगों ने शॉपिंग वेबसाइट विजिट की होंगी. शॉपिंग वेबसाइट में क्या होता है, इमेज का एक इमेज होती है और उसका कंटेंट होता है, राइट. सो अगर मैं यहां पर एक वेबसाइट पे कंट्रोल्स दिखाना चाहती हूं, तो मुझे क्या करना होगा, हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट के कंटेंट प्लस उसका इमेज दोनों एसोसिएट करने पड़ेंगे. अगर आप इसको ईजी करना चाहते हैं, यू कैन हैव सर्टेन फीचर्स, लाइक आपको जो इमेजेस हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी. आई हैव टेकन अ फोल्डर इन दिस डायरेक्टरी. क्या नाम है इनके, डिवाइसेस, डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री एंड ऑल, राइट. मैंने क्या करा, आई हैव टेकन एनी डेटा कंट्रोल, लाइक डेटा लिस्ट इज देयर, बिकॉज प्रोडक्ट में बहुत सारे आइटम्स वगैरह हो सकते हैं. अगर मुझे इस पे डिस्प्ले कराना है, तो मुझे इसमें एक डेटा का सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच शुड बी समथिंग लाइक डेटाबेस एंड ऑल. सो मैंने क्या यूज किया है, SQL न्यू डेटा सोर्स. डेटाबेस आई कैन अटैच, और इफ आई हैव लिंक यू फीचर, देन आई कैन एसोसिएट दैट ऑल्सो. कनेक्शन स्ट्रिंग नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड. I am getting data from SQL server. For attaching local server, I need to pass the credentials also.